धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी दो धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीजें इक्वली लेकर चल रहे हैं। हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास चार प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो अपने घर में कलमा याद कर रहे थे और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में गंगा जल छिड़क करके इसको बताया कि अशुद्ध हो गया था कलमा पढ़ने से, इसको शुद्ध किया, इसमें क्या है? सर ऐसे तो फिर मेरे पास जो एंट्री है उसमें मॉमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी? कितने साल से स्कूल चला आपका? सिंस 2003। लेकिन आपको पता है पूरे देश में कई स्कूलों में कई संस्थानों में ये धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो गया कई बार उसको लेकर, तो आप लोग का नहीं कि इससे धार्मिक विवाद होगा? धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी दो धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीजें इक्वली लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम है कि चारों प्रार्थनाएं बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाए, ऐसा कोई नियम है? और एक चीज बताइए, मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि ये भी तो नियम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट कर दें किसी भी प्रेयर को ना करें, तो आपने प्रार्थना बंद क्यों की? चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ ना, किसी भी चीज के लिए कोई मैटर क्रिएट होगा तो उस पर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सर कभी कोई मैटर आता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। किसी ऑब्जेक्शन किया है? ये कुछ पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, अब मैं नाम लूँ उनके, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी? क्यों नहीं पढ़ेंगे? आज तक कोई इश्यूज सर, ऑब्जेक्शंस आए नहीं है। जब ऑब्जेक्शंस आए हैं हमने उस पे एक्शन लिया है, तुरंत लिया है सर। ऐसा नहीं कि हमने शासन स्तर से कोई रिपोर्ट मांगी गई आपसे, कोई आई जांच करने? अभी ऐसी कोई चीज नहीं है सर, लोग आए हुए हैं और ये प्रशासन से ही है सर, आपके सामने खड़े हैं, ये भी आए हुए हैं और सर सुबह से आए हुए हैं। नहीं सर, प्रशासन अलग होता है, तो क्या प्रशासनिक तौर पे आपके पास कोई अधिकारी एडीएम अभी आए थे तो क्या आपसे उन्होंने लिखित में लिया कोई ऐसी चीज लिखी? सर अभी कुछ अभी हमारा डिस्कशन होगा, पहली प्रायोरिटी हमारी डिस्पर्सल की थी, बच्चों का डिस्पर्सल। कोई किसी संगठन से धमकी मिली आपको?